वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे व्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे जगद्गुरुं सिन्धूरवर्णद्विभुजं गणेशं लंबोदरं पद्मदलेनिविष्टं ब्रह्मादिदेवै परिषव्यमानं सिद्धयुतं तं प्रणमामि देवं अतुलितवरधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगणं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधव वंशी विभूषित करानवनीरदाभात् पीतांबरादरुण बिंबम
फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जानामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुण नव कंज लो चन कंज मुख जप कंज पीत मान तड़ित रुचिषु नौमि जनक सुता वजुदीन बंधु दिनेश दान दैत्य वंश निकंद रघुनंद आनंद शल चंद दशरथ सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण आजानो भुज सर चाप धर राम जीति खर दूषण इति वदति तुलसी दास संत शेष मुनि मान मम हृदय कंज निवास कुरु का मादिखल दल मनो जाहि राचेऊ मिलहि सोग सहज सुंदर करुणा निधान सुजान शील समे हो जात रावरो एही भांति गौरी अशीष सुनिसे सहित तुलसी भानी हो जी पुणी को मुदित मन मंदिर चले तुलसी भानी पूजी पुणी को मुदित मन मंदिर चले तुलसी भवानी पूजी पुनी पु मुदित मन मंदिर श्री वृंदावन सोवन नहीं अरुनंद गाम सो श्रीवंशी वट सोवट नहीं श्री कृष्ण नाम
श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधा रानी जो को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन रोवास। जय जय श्री राधे रमण, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। आइए कुछ समय भगवान के परम मधुर नामों का संकीर्तन करें। सभी लोग मिलकर गाएंगे। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Sabhi log boliye Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama.
कृष्ण लाल की जय, अपने अपने पितृदेवों की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। मंच पर विराजमान परम मंगलमय षडैश्वर्य पूर्ण अकारण करुणा वरुणालय हमारे परम प्रिय श्री ठाकुर जी के एवं उन्हीं की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भगवत गीता जी महाराज की पावन सन्निधि में विराजमान उपस्थित देवतुल्य श्रोता बंधुओं, स्नेह स्वरूपा लक्ष्मीमयी प्रेममयी करुणा स्वरूपा माता शक्तियों, आइए आज इस पावन बेला के सत्संग की इस पावन क्रम के पंचम दिवस में हम लोग प्रवेश करें। आज पांचवा दिन होने जा रहा है, 11 दिन और बाकी है। जिस प्रकार से, जिस गति से श्रोता बंधुओं ये समय निकलता जा रहा है ना, इसी गति से एक दिन जीवन भी निकल जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा। भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही है रामचरितमानस में, कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, जिसके मन में किसी भी प्रकार की कोई कलुषता नहीं है, भगवान को वही प्राप्त कर पाते हैं। निर्मल मन जन सो ही मो पावा, वही लोग मुझे प्राप्त कर पाते हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट और छल छिद्र न भावा अच्छे नहीं लगते। भगवान के पास जाओ, ठाकुर जी के पास जाओ तो एकदम मक्खन जैसे भोग के जाओ। अगर आपका हृदय मक्खन का हुआ तो ही ठाकुर जी उसकी चोरी करेंगे ना। यदि हमारा हृदय नमनीत जैसा हुआ तभी तो वो मक्खन चोर उस हृदय को चोरी करेंगे ना। अरे नंद बाबा के यहां तो 900,000 गायें थी, माखन चुराने की क्या आवश्यकता थी।
लेकिन भगवान गोपियों के यहां जाकर के प्रतिदिन माखन चुराते थे, मांगते भी नहीं थे, चुराते थे। नवनीत तस्कर ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, नवनीत चोर भगवान का नाम है। अच्छा, एक बात की विशेषता देखो, बड़ी विशेष बात देखो, दुनिया में चोर शब्द बड़ा बेकार माना जाता है। चोर शब्द, कायर शब्द बड़ा बेकार मानते हैं इसको, छलिया कपटी शब्द बड़ा ही बेकार मानते हैं। चोर है उसके लिए जैसे अपशब्द बन जाता है, लेकिन ठाकुर जी के लिए नवनीत चोर, भगवान जिस चीज को धारण कर लेते हैं वही उनके लिए श्रृंगार बन जाता है। ठाकुर जी का नाम पड़ा नवनीत चोर। रण को छोड़ के भाग गए तो उनका नाम पड़ गया रण छोड़। कमाल की बात देखो कि रण छोड़ की भी जय बोली जाती है, क्योंकि उसका कारण यह है कि जो नाम हम धारण कर लेते हैं, जो नाम ठाकुर जी धारण कर लेते हैं, वह नाम पूज्य हो जाता है, उस नाम की महत्ता बढ़ जाती है। महाभारत में सारथी का पद सबसे छोटा पद था, इससे छोटा कोई पद था ही नहीं। सारथी का पद सबसे छोटा पद था, लेकिन जब ठाकुर जी ने उस पद को ग्रहण कर लिया, सारथित्व जब ठाकुर जी ने धारण कर लिया, सारथी पद जब भगवान ने अपने ग्रहण कर लिया, तो श्रोता बंधुओं आप दर्शन करो कि सारथी पद भी बड़ा हो गया। महत्ता ये नहीं है कि नाम कौन सा बड़ा है, महत्ता ये है कि ठाकुर जी ने कौन सा नाम धारण किया है। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। भगवान ने चोर नाम धारण किया तो चोर की भी महत्ता बढ़ गई चोर शब्द की। रणछोड़ शब्द धारण किया तो रणछोड़ शब्द की महत्ता बढ़ गई। श्रोता बंधुओं, ठाकुर जी ने सारथी नाम धारण किया तो सारथी का मान बढ़ गया, सारथी पद का मान बढ़ गया। महत्वपूर्ण ये नहीं कि कौन सा पद बड़ा है, महत्वपूर्ण ये है कि ठाकुर जी ने कौन से पद को ग्रहण किया। अच्छा, एक और विशेष बात देखो, भगवान जो सबसे छोटा पद होता है उसी को धारण करते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं ठाकुर जी? जो सबसे छोटा पद होगा, सबसे नीचे का पद होगा, ठाकुर जी उसी को धारण करते हैं। क्यों? इसका कारण यह है श्रोता बंधुओं, क्योंकि भगवान ये दिखाना चाहते हैं, भगवान ये बताना चाहते हैं कि पद से कोई महान नहीं बनता, पद से किसी भी प्रकार की महानता नहीं होती। महानतम तो वह व्यक्ति होता है, महानतम तो वो होता है जिसके कारण से पद बड़ा हो जाए। महानतम महापुरुष तो वो है कि वो जहां बैठे वह पद ही बड़ा हो जाए। पद तो बड़ा ही है, उस पर तो कोई भी बैठ जाएगा वो बड़ा आदमी बन जाएगा, वह महापुरुष बन जाएगा। महत्ता तो तब होती है ना कि हमारे कर्मों के कारण, हमारी आचरण के कारण, हमारे धर्म के कारण पद हमारा बड़ा हो जाए। इस प्रकार ठाकुर जी ने पद को ग्रहण करके, सारथित्व पद को धारण करके सारथी पद का मान बढ़ा दिया। आप दर्शन करेंगे महाभारत जी में परम पूज्य श्री सूरदास जी का पद आप श्रवण करेंगे, और
मीरा आदि ने भी अनेकों संतों ने इस पर पद लिखे हैं। दुर्योधन घर मेवा त्यागे सांग विदुर घर खाए, सबसे ऊंचे प्रेम से राजस्व यज्ञ युधिष्ठिर किन्नो तामे झूठे पतल उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक क्यों, अरे भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। श्रोता बंधुओं, महत्वपूर्ण ये होता है कि ठाकुर जी कौन सा पद धारण करते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि पद कितना महत्वपूर्ण है। अगर कर सको तो ये करो कि हम अपने रथ की ही नहीं अपितु अपने जीवन की बागडोर, अपने जीवन का सारथी भगवान को बना दें। तो देखो जिस प्रकार ठाकुर जी ने अर्जुन को उस रणरूपी महासागर से बाहर निकाल दिया, उसी प्रकार आपको भी संसार रूपी महासागर से बाहर निकाल देंगे। आइए आज हम लोग पंचम दिवस में प्रवेश करें। कल आप लोगों ने ठाकुर जी का परम सुंदर ज्ञान का श्रवण किया, चतुर्थ अध्याय का आप लोगों ने श्रवण किया। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने चार बातें बताई हैं, मुख्यतः चार बातें बताई हैं। प्रथम तो अपने जन्म, मेरा जन्म कैसे हुआ, कितने जन्म लिए, भगवान कब कब जन्म लेते हैं, क्यों जन्म लेते हैं, इसका कारण बताया। दूसरा, मनुष्य को कैसे कर्म करने चाहिए, किस प्रकार से कर्म करने चाहिए और कर्मयोगी मनुष्य को क्या स्थिति होती है, इसका कारण बताया, इसका विभाग बताया। तीसरा, यज्ञ कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे किए जाते हैं, इस प्रकार इसका विभाग बताया। और अंत में ठाकुर जी ने ज्ञान की महिमा बताई। आह, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रं इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कारेण आत्मनिविन्दति यथेधांसि समृद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भैया, जैसे प्रज्वलित हुई अग्नि में सूखे और गीले जैसे भी ईंधन हो डाल दो, प्रज्वलित हुई अग्नि, भयंकर प्रज्वाल्यमान आग में अग्निदेव को अगर आप सूखे गीले जैसे हो आप उनमें ईंधन डाल दो तो वह ईंधन समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, भस्म हो जाता है। वैसे ही परिष्कृत हुए ज्ञान में, आत्मनिहित परिष्कृत हुआ ज्ञान किसी भी प्रकार के कर्म को भस्मसात कर देता है, भस्ममय कर देता है। और श्रोता बंधुओं, अंत में ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर बात कह दी, नहीं ज्ञानेन सत्रीशं, यानी ज्ञान के समान कोई ऐसी चीज नहीं है। ज्ञानेन सदृशम, नहीं ज्ञाने ज्ञान के सदृश कुछ नहीं है ऐसा जो कि पवित्रम यह विद्यते, जो इस संसार में पवित्र कर दे। यानी ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र करने वाले वस्तु इस संसार में नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्धि, और वह कैसे प्राप्त होगा इसका तरीका भी कल आपको बताया गया। अंत में भगवान संशय का नाश करके और अर्जुन को युद्ध के लिए खड़े हो जाने कर आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत, उठकर खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ अर्जुन को कहते हैं।
अर्जुन यहाँ भगवान ने तो कहा संशय का परित्याग कर दो, लेकिन अर्जुन यहाँ पर पुनः संशय से घिर गए। देखो दो बातें होती हैं, प्रथम तो ये कि आप ये निश्चित मान करके चलिए कि बिना ठाकुर जी की इच्छा के कुछ नहीं होता। ठाकुर जी ये स्वयं चाहते हैं कि अर्जुन में संशय का ज्ञान हो, संशय आए, नहीं तो ये बार बार युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, भगवान इस प्रकार का आदेश क्यों देते? बार बार युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, इसका आदेश का तात्पर्य यही सिद्ध करता है कि वे अर्जुन के मन में कहीं ना कहीं संशय को देख रहे हैं। नहीं तो एक बार पूरा ज्ञान सुनाकर जब ठाकुर जी को मालूम पड़ जाता कि अर्जुन का अब अज्ञान नष्ट हो चुका है, तब उन्हें कहते कि अब युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। लेकिन नहीं, जब अर्जुन को ठाकुर जी पूर्ण ज्ञान दे देते हैं तो 18वें अध्याय के 69वें श्लोक में जाकर के ठाकुर जी ये कहते हैं कि अर्जुन मैंने तो तुम्हें पूरा ज्ञान सुना दिया, अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो ऐसा करो। वहां तो ये नहीं कहते कि आतिष्ठो तिष्ठ भारत, युद्ध के लिए खड़े हो जा। ये बात सिद्ध करती है श्रोता बंधुओं कि भगवान अर्जुन के मन में संशय देख रहे हैं, और ये संशय देख करके ही ठाकुर जी ने कहा आतिष्ठो तिष्ठ भारत। संशय आया और अर्जुन पूछ पड़े। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यक्षेयाय तयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। ध्यान से सुनना, भगवान ने पिछले अध्याय में जो बात बताई है उस अध्याय का नाम पड़ा ज्ञान कर्म संन्यास योग। यानी ज्ञानी पुरुष को कर्म करते हुए संन्यास ले लेना चाहिए, या तो ज्ञानी पुरुष को कर्म करते, ध्यान से सुनना, ज्ञानी पुरुष को कर्म करते हुए संन्यास की तरफ बढ़ना चाहिए, या तो मनुष्य को कर्मों से संन्यास लेकर के ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। दो बातें, एक ज्ञानी पुरुष को कर्म से संन्यास लेकर कर्म करते हुए संन्यास की तरफ बढ़ना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए। दूसरा, कर्म से संन्यास लेकर ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। तो अर्जुन यहां वही बात, वही शंका प्रकट कर रहे हैं। संन्यासं कर्मणां कृष्ण, हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे ठाकुर। कृष्ण शब्द का अर्थ मैंने आपको पहले बता दिया था, जो किसी भी प्रकार से अपने गुणों से, अपने आकर्षक व्यक्तित्व से दूसरों का मन अपनी तरफ आकर्षित करे उसका नाम है कृष्ण। यहां कृष्ण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आज। संन्यासं कर्मणां कृष्ण, हे कृष्ण, एक तरफ तो आप कहते हैं कर्मणां संन्यासम, ठाकुर जी आप तो एक तरफ कहते हो कि कर्मों से संन्यास ग्रहण कर लो, कर्मणां संन्यासम, एक तरफ आप कह रहे हैं कि कर्मों से संन्यास ग्रहण कर लो, फिर कहते हैं पुनर्योगम च संससि, फिर कहते हैं कि कर्मयोग करो,
योगी शब्द का आपको मैंने तीसरे अध्याय के पांचवें श्लोक में मैंने आपको बताया था कि योग क्या है, और दूसरे अध्याय के 46वें 47वें श्लोक में भी ठाकुर जी योग शब्द का अर्थ बता चुके हैं। समत्वम योग उच्यते योगस्था कुरु कर्माणि संगम तत्वाधनंजय सिधय सिधय समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। दूसरे अध्याय के 40वें 47वें श्लोक में ठाकुर जी बता चुके हैं कि योग क्या है, यानी योग का अर्थ है कि कर्म करते रहना, और कई विपरीतता सा प्रतीत हो रहा है ठाकुर जी की वाणी में। आप दर्शन करेंगे तो दूसरे अध्याय के 40वें 47वें श्लोक में ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि योगस्था कुरु कर्माणि संगम तत्वा धनंजय, यानी जो मनुष्य सिद्धि और असिद्धि को समान समझता हुआ योग में स्थित होकर के जो कर्म करता है, फल की इच्छा त्याग कर जो कर्म करता है वह समत्व योग कहलाता है। ठीक है, योग हो गया, योग सिद्ध हो गया। योग शब्द का आपको जहां पर भी प्रयोग आए तो वहां पर आप यही समझो कि यहां कर्म की चर्चा है। दूसरी बात ठाकुर जी एक बच गए ये भी कह रहे हैं, इसी तीसरे अध्याय में आगे आकर के कह रहे हैं कि जो मनुष्य कर्मों से संन्यास ग्रहण कर लेता है, जो मनुष्य सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को त्याग कर जो कर्म नहीं करता, जो सब ओर से जिसका ना तो अपने से कोई प्रयोजन रह जाता है ना संसार से कोई प्रयोजन रह जाता है, वह मनुष्य महापुरुष हो जाता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव, गीता जी के तीसरे अध्याय में कह रहे हैं 18वें या 19वें श्लोक में, जो आत्मा से आत्मा में तृप्त रहता है वह महापुरुष है। और वहीं ठाकुर जी गीता जी के तीसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में यह कह रहे हैं कि नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्त कर्म कृत्, कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, यानी कोई सन्यासी भी है तो वो भी कोई ना कोई कर्म कर रहा है। तो अर्जुन इन सब बातों से थोड़े से संशयात्मिका बुद्धि हो गए और वही प्रश्न यहां कर रहे हैं कि सन्यासम कर्मणां कृष्ण। हे ठाकुर जी, एक तरफ तो आप कहते हैं कि कर्मों से संन्यास ग्रहण कर लो, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं पुनर्योगम च संससि कि कर्म करना ही श्रेष्ठ है। इन दोनों में से, ये दोनों ही बातें जो आपने बताई, इन दोनों में से यक्षेयः एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन परेशान होकर के कह रहे हैं ठाकुर जी दोनों बातें बताइए, आप अपने पास रखो। यत् श्रेयः तन्मे ब्रूहि तत्मे ब्रूहि, प्रभु जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, यत् श्रेयः मे यत् श्रेयः तत्मे ब्रूहि, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, जो मेरे लिए कल्याणकारक हो, हे प्रभु आप तो मुझे वही उपदेश कीजिए। मुझे नहीं जानना कि कर्म संन्यास क्या है या कर्म योग क्या है, मुझे ये बताइए कि मेरे लिए क्या चाहिए, मेरे को क्या करना चाहिए। मन में अर्जुन के अभाव आ रहा है कि मैं क्या करूं, भ्रमात्मिका बुद्धि है ना, भ्रम वाली बुद्धि है, तो वो निश्चित नहीं कर पा रहे कि मेरे को क्या करना चाहिए। इसलिए भगवान से पूछा कि तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्,
मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अब भगवान इसका एक शब्द में ही उत्तर दे देंगे, सीधा सीधा जैसा प्रश्न अर्जुन ने पूछा वैसा का वैसा सपाट उत्तर ठाकुर जी अगले श्लोक में दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावभो तयोस्तु कर्म संन्यास कर्मयोगो विशिष्यते। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। कर्मयोग की कितनी महिमा ठाकुर जी ने कही है आप इस श्लोक में दर्शन कर सकते हैं। श्रोता बंधुओं इस श्लोक के माध्यम से ठाकुर जी संन्यास से बड़ा कर्मयोग बता रहे हैं, लेकिन कर्मयोग का मतलब ये नहीं है कि आप घर में बैठे हैं बस अपने पुत्रों का भरण पोषण कर लिया, अपना भरण पोषण कर लिया, थोड़ा खुद भोग कर लिया, कुछ लोगों आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए जमा कर लिया, विवाह किया, पोते नाते हुए उनका मुख देख लिया, ठाकुर जी का नाम लिया, चल पड़े, टिकट कट गए। नहीं, ये कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग क्या है इसका आपको पिछले दो तीन दिनों में बताया जा चुका है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों में से कर्मयोग को किसने अच्छी तरह से समझा है, लिखा कर प्रतिदिन समझा कर, कोई बात समझ में ना आए तो आप यहां पर लिख करके भी दे सकते हैं, उसे इस पवित्र मंच से वापस बता दिया जाएगा, वापस उसको आपको कह दिया जाएगा, उसका प्रवचन वापस, उस पर विचार वापस हो जाएगा। श्रोता बंधुओं ये गीता जी हैं, ये श्रीमद् भगवत गीता जी हैं, इसका एक एक प्रसंग, एक एक श्लोक, एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है कि कहीं छूट ना जाए। ऐसा नहीं कि आगे आगे चल रहे हैं पीछे पीछे छूटते जा रहे हैं, क्योंकि आगे की बात आपको तभी समझ में आएगी जब आप पीछे का भी थोड़ा बहुत स्मृति रखेंगे। मैंने आपको प्रथम दिन ही बताया था कि प्रतिदिन जो भी एक बात अच्छी लगे उसे नोट कर लो, या तो मन में बिठा लो। भगवान बता रहे हैं कि संन्यासः कर्मयोगश्च। हे अर्जुन, इस संसार में संन्यास और कर्मयोग, यानी कर्मों से संन्यास और कर्मयोग, निःश्रेयस कराभव, मोक्ष का एक नाम है निःश्रेयस। निःश्रेयस भी मोक्ष को ही कहा जाता है, मुक्ति का दूसरा नाम है निःश्रेयस। तो ठाकुर जी वही कह रहे हैं निःश्रेयस कराभव। अर्जुन, संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही मुक्ति को प्राप्त कराने वाले हैं, इन दोनों के द्वारा ही मुक्ति संभव है, ये दोनों ही मुक्त कर सकते हैं। किंतु तयोस्तु कर्म संन्यासात्, फिर भी संन्यास में तयोस्तु, तयो तयो शब्द का प्रयोग किया, तयो शब्द का प्रयोग दो के लिए होता है। तयो कौन, कर्म संन्यास और कर्मयोग। तयोस्तु कर्म संन्यासात्, उन दोनों में से कर्म संन्यासात से, यानी कर्म संन्यास से कर्मयोगो विशिष्यते। कर्मों से संन्यास की अपेक्षा कर्म का करना अधिक श्रेष्ठ है। मोटे मोटे तौर पर समझो श्रोता बंधुओं, तो ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि कर्म से संन्यास लेना अथवा ज्ञान मार्ग में जाना, संसार से हट जाना, ये अथवा कर्मों को करते रहना, ये दोनों ही परम कल्याण को प्राप्त कराने वाले हैं। किंतु कर्मों से संन्यास की अपेक्षा कर्मों को करते रहना अधिक श्रेष्ठ है।
अपने शब्दों में समझो तो माला लेकर के बाबा जी बनने से बढ़िया संसार में रह कर के और दुखी प्राणियों की सेवा करना है। आपका नारायण दुखी प्राणियों में ही दिख जाएगा। आप जो कर्म करेंगे आपके ठाकुर आपको उस कर्मों में ही दिख जाएंगे, बशर्ते ये कि आप अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी सच्चाई और लगन से करो। इस प्रकार भगवान ने जैसा प्रश्न पूछा अर्जुन ने कि प्रभु कर्म संन्यास व कर्मयोग इन दोनों में से कौन सा मेरे लिए श्रेष्ठ है, तो ठाकुर जी ने संपूर्ण संसार को अर्जुन को दृष्टि में रखते हुए संपूर्ण संसार को ये उपदेश दिया कि कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते, कर्म संन्यास से कर्मयोग विशेष है यानी श्रेष्ठ। और अब आगे भगवान इन दोनों की ही प्रशंसा कर रहे हैं, कर्म संन्यास की भी महिमा बता रहे हैं और कर्म योग की भी महिमा बता रहे हैं। एक बार फिर से समझ लो कर्म संन्यास और कर्म योग को। देखो हम लोग इस संसार में कोई भी कर्म ना करें या तो संभव नहीं, कभी ना कभी कोई ना कोई कर्म हमें करते ही रहना है। कर्म संन्यास का तात्पर्य यह है कि आप अपने में ही रमे रहें, संसार के किसी भी सुख दुख इच्छा हर्ष द्वेष से आपको कोई फर्क ना पड़े, आपकी दृष्टि सबके लिए एक समान हो, आप सब में नारायण के दर्शन करें, कोई आपको चंदन लगाए और कोई आपको अपशब्द कहे, दोनों के लिए ही आपकी दृष्टि एक समान हो, यह तो है कर्म संन्यास। और कर्मयोग, आप कोई भी कर्म करते हैं, आप कुछ भी करते हैं उसमें फल की इच्छा का त्याग करते, अच्छा काम करो, श्रेष्ठ कर्म करो किंतु फल की इच्छा मत रखो। यज्ञ कर रहे हैं, महाराज मेरे को धन आ जाए, मेरी बिल्डिंग बन जाए, मेरी नौकरी लग जाए, नहीं, निष्काम। और महाराज संतों ने तो, परम पूज्य स्वामी जी ने तो कहा है कि मुक्ति का नाम लेना भी, मुक्ति की इच्छा करना भी गलत है। लोग कहते हैं ना कि अपने ये नाम लेंगे तो हमें मुक्ति हो जाएगी हमारा कल, वहां फिर फल की इच्छा का त्याग कहां हुआ, वहां तो आपको फल की इच्छा हो गई ना, ये काम करेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। तो मुक्ति की इच्छा करना भी गलत है, फल का त्याग करके आसक्ति रहित होकर के कर्म करना कर्म योग। और इन दोनों में से ही कर्मयोग श्रेष्ठ है। अब ठाकुर जी आगे के श्लोकों में कर्म संन्यास और कर्मयोग इन दोनों की ही महिमा बता रहे हैं। गेयं सनित्य संन्यासी यो न देष्टि न काक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। ध्यान देना, गेयः स नित्य संन्यासी। संन्यासी कौन है? संन्यासी किसे कहते हैं? संन्यासी के लक्षण बता रहे हैं ठाकुर जी, ध्यान से सुनना। यो न द्वेष्टि, जो किसी से द्वेष नहीं करता, वैर नहीं करता, किसी से शत्रुता नहीं करता, ना कांक्षति, किसी से कोई इच्छा भी नहीं करता। देखो इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं, एक इच्छा तो हो गई कि मन में हमने किसी से कुछ मांग लिया, किसी से कुछ मांग लिया,
हमारे पास भोजन नहीं है, किसी से भोजन की याचना करना। एक तो इच्छा यह है, दूसरी इच्छा हमने किसी का परोपकार किया है, हमने किसी को अन्न दिया है, तो हम मन में ये इच्छा मांगते नहीं है, किंतु मन में इच्छा रखते हैं, अरे हमने उसका भला किया है वो हमारा भी भला करेगा, हमने उसका परोपकार किया है वो हमें भी देगा। श्रोता बंधुओं, ये दोनों ही इच्छाओं का जो परित्याग कर देता है, न देष्टि न कांक्षति, ना तो किसी से द्वेष करता है, ना कोई आकांक्षा करता है। निर्द्वंद्वो द्वंद्व, सुख दुख, सर्दी गर्मी, उष्णता शीतलता आदि का भी जो परित्याग कर देता है, ये द्वंद्व कहे जाते हैं, दो है ना, ये सुख दुख सर्दी गर्मी, ये उष्णता शीतलता, ये द्वंद्व है। निर्द्वंद्वो हि महाबाहो, यानी इन द्वंद्वों से भी जो मुक्त हो चुका है, इन दो द्वंद्वों का भी जो परित्याग कर चुका है, सुखं बंधात् प्रमुच्यते, वह अब यहां पर आप इस श्लोक के प्रथम चरण को जोड़ो, पंचम अध्याय के तीसरे श्लोक के प्रथम चरण को अगर हम जोड़ कर देखें, तो गेया सनित्य सन्यासी सुखं बंधात् प्रमुच्यते, ऐसा वहां सन्यासी संपूर्ण बंधनों से प्रमुच्यते मुक्त हो जाता है, वह संपूर्ण बंधनों से उसको छुटकारा मिल जाता है। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। यानी जो मनुष्य द्वंद्वों से रहित हो गया, जिस मानव में उष्णता शीतलता आदि सहने की शक्ति आ गई, जो मनुष्य न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो, वह मनुष्य ही सन्यासी समझने योग्य है। अब आगे भगवान इसी की एक और शाखा का वर्णन कर रहे हैं, अन्य लोग क्या कहते हैं इसी पर बता रहे हैं कि सांख्य योगौ पृथक बाला प्रबदंति न पंडिता एकमप्याश्रिता सम्या गुहयोर्विन्दते फलम्। सांख्य योगौ पृथक बाला, ये भगवान कर्म संन्यास और कर्म योग की अलग अलग परिपाटियों का थोड़ा थोड़ा वर्णन कर रहे हैं। सांख्य योग अर्थात संन्यास, संन्यास को कुछ संन्यासी लोग तो पृथक माला यानी कर्म संन्यास से कर्म योग को अलग समझते हैं, कुछ लोग कर्म संन्यास से कर्म योग को अलग समझते हैं। प्रवदंती न पंडिता, कई पंडित लोग, कई महात्मा लोग कर्म संन्यास और कर्म योग को अलग अलग समझते हैं, लेकिन जो भी हो एकमप्यास्थितः सम्यक्, इन दोनों में से एक भी अर्थात कर्म संन्यास हो वा कर्म योग हो, इन दोनों में से यदि एक का भी भली प्रकार से भी किसी ने पालन कर लिया, तो भयोर्विन्दते फलम्, ठाकुर जी की प्राप्ति, परम कल्याण की प्राप्ति बड़ी सुलभ है, बड़े आराम से हो जाती है। ध्यान देना, जैसे गंगा जी पर जाने के लिए हजारों मार्ग होते हैं, कोई किसी मार्ग से जाता है, कोई किसी मार्ग से जाता है, किंतु पहुंचते तो गंगा जी पर ही है ना। ठीक वैसे ही ये कर्म संन्यास और कर्म योग, भगवान इस श्लोक में यही दिखाना चाहते हैं कि कई लोग कर्म संन्यास और कर्म योग को अलग अलग मानते हैं,
लेकिन अगर कोई कर्म संन्यास का पालन करे अथवा कर्म योग का पालन करे, इन दोनों में से अगर किसी एक का भी किसी ने पालन कर लिया तो उसकी मुक्ति तो निश्चित है, उसका कल्याण तो निश्चित है। अगर हम इसको व्यवहारिक में लें, व्यवहारिक रूप में लें श्रोता बंधुओं, तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि अलग अलग में भी मत भटको। किसी ने दुर्गा जी की आराधना कर रहे हैं, कोई किसी ने आके बताया महाराज बालाजी को भी पूजा करो, बालाजी को भी रख लिया। किसी ने कहा शिव जी की पूजा करो, शिव जी को भी बिठा लिया। गणेश जी की पूजा किया करो, गणेश जी को भी बिठा लिया। कहते हैं कि एक बार कोई भक्त एक बार कोई समुद्र में यात्रा कर रहा था, नाव पर बैठकर सो यात्रा करते करते में अचानक एक बार भयंकर एक तूफान आया, सब लोग गिरने लगे, मरने लगे। तो वो भक्त भी जोर से चिल्लाया, हे राम जी मेरे को बचाओ। थोड़ी देर तक शांत हो गया तूफान, फिर उसने जोर से पुकारा, हे कृष्ण जी मेरे को बचाओ। फिर तूफान उठ गया, फिर शांत हो गया। फिर उसने कहा, हे हनुमान जी मेरे को बचाइए। फिर उठा, फिर शांत हो गया। फिर अचानक उसने कहा, हे राधा रानी मेरे को बचाइए। सो महाराज वही का वही नाव डूब गई। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मर करके ठाकुर जी के पास पहुंचा तो ठाकुर जी से पूछा, महाराज हम आपसे बात नहीं करते, भक्तों को तो बचाते नहीं हो, इतनी सत्संग सुने, इतनी मालाएं जाप की, इतना नाम लिया, बचाते तो हो नहीं। तो ठाकुर जी ने कहा, भैया तूने राम का नाम लिया, मैं राम रूप में आ गया। कृष्ण का नाम लिया, मैं कृष्ण रूप में, देखो तूफान शांत हो गया था। कृष्ण रूप में आया, कृष्ण रूप में आने लगा। तभी तूने कहा हनुमान जी, मैं हनुमान जी के रूप में भी आ रहा था। फिर तुमने कहा कि हे राधा रानी मेरे को बचाओ, तो राधा रानी बनने में तो थोड़ा सा समय लगता है ना जी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए एक मानो भगवान इस श्लोक के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, एकमप्यास्थिता सम्यक 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 एकम अप्यास्थितः अपि स्थितः सम्यक एकम अपि स्थितः, अर्थात सम्यक रूप से एक में ही अच्छी तरह से स्थित रहो श्रोता बंधुओं, तभी फल की प्राप्ति हो। तभी ठाकुर जी की प्राप्ति हो। अच्छा, और आगे के श्लोक में भगवान इसी को थोड़ा और स्पष्ट कर रहे हैं। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते, यानी जिस परमात्मा की प्राप्ति, जिस लोक की प्राप्ति मनुष्य सांख्य योग से करता है, तद्यो गैरपि गम्यते, जहां पर वह जाता है उसी से एकम सांख्यम च योगम च, उसी लोक की प्राप्ति, उसी गति की प्राप्ति मनुष्य को कर्म योग से भी होती है। यानी वही परमात्मा कर्म संन्यास से भी प्राप्त होता है, वही परमात्मा कर्म योग से भी प्राप्त होता है। परमात्मा वो एक ही है, उसको आप कर्म संन्यास रूप से प्राप्त करो अथवा कर्म योग से प्राप्त करो। अब भगवान अगले श्लोक में उस मानव के लक्षण बता रहे हैं, उस मानव की स्थिति बता रहे हैं जो मनुष्य कर्म संन्यास
व कर्म योग, इन दोनों में से एक में भी संन्यास में, कर्म संन्यास में जो स्थित हो जाता है, उस मानव की क्या स्थिति होती है उसको अगले श्लोक में बताया कि संन्यासस्तु महाबाह दुःखमाप्तुमयोगत योगयुक्तो मुनि ब्रह्म अचिरेणाधिगच्छति। संन्यासस्तु महाबाहो, ध्यान से सुनना, हे महाबाहो, महाबाहो कहते हैं जिसकी भुजाएं बड़ी बड़ी हों, जिसकी भुजाएं घुटनों तक आती हों, उसका नाम है महाबाहु। और अर्जुन की भुजाएं अजान बाहु थे, अर्जुन बहुत लंबे लंबे हाथ थे, इसलिए उनका नाम महाबाहु है। हे महाबाहु, संन्यासस्तु महाबाहु, हे महाबाहु, संन्यास के द्वारा दुःखमाप्तुमयोगत, दुखों का नाश हो जाता है। योग युक्तो मुनि ब्रह्म, और जो ब्रह्म, जो योगी, जो मनुष्य, जो कर्म योगी योग में स्थित हो जाता है, अर्थात कर्म में स्थित हो जाता है, न चिरेणाधिगच्छति, वह तुरंत ही परम कल्याण अपुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात इसको एक शब्द में हम समझें तो ठाकुर जी यहां पर यही कह रहे हैं कि जो मनुष्य संन्यास से, कर्मयोग से, किसी भी प्रकार से अपने आप को स्थित कर लेता है, अपने आप को योग में, कर्मयोग में व संन्यास में स्थित कर लेता है, उस मनुष्य को बिना देरी के नचिरेणाधिगच्छति, अचिरेणाधिगच्छति, बहुत जल्दी शीघ्रता से ही उसे परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। श्रोता बंधुओं, ठाकुर जी अब बता रहे हैं कि हम लोग, अच्छा एक बात बताओ, आपने कर्म संन्यास भी सुना, कर्म योग भी सुना, कल ठाकुर जी एक श्लोक कह रहे थे, श्रद्धामान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या क्या होना जरूरी है, ध्यान से सुनो, ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या क्या होना जरूरी है, श्रद्धामान तत्पर संयतेन्द्रिय, जितेन्द्रिय, साधन परायण और श्रद्धामान, तीन चीजें, जितेंद्रिय, इंद्रियां जीती हुई हो, साधन परायण, आपके पास गुरु भी अच्छे हो, आपको मार्गदर्शन करने वाला भी अच्छा हो, और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आपके मन में श्रद्धा भी हो, तो क्या होता है, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, ज्ञान प्राप्त होकर मनुष्य को परम शांति मिल जाती है। भगवान उसी श्लोक की जैसे कि पुनरावृत्ति, बिल्कुल उसी बात को यहां पर पुनः बता रहे हैं कि योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ध्यान से सुनना, योग युक्तो, प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण, हाँ यहां से सब दिखता है, योग युक्तो, जो योग में स्थित है, जिस कर्म योगी ने अपने आप को योग में स्थित कर रखा है, विशुद्धात्मा, आपको मैंने कई बार सत्संग के बीच में दो तीन महावाक्यों का प्रयोग किया है, एक अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म, और ठाकुर जी
शायद शंकराचार्य जी ने, आचार्य शंकर ने शायद गीता जी के इसी श्लोक से विशुद्धात्मा ब्रह्म ये शब्द भी शायद गीता जी के इसी श्लोक से लिया होगा। विशुद्धात्मा यानी जिसका आत्मा, जिसका अंतःकरण पूर्ण पवित्र हो चुका है। तीन लक्षण बताए, एक योग युक्त जो योग में स्थित है, दूसरा विशुद्ध आत्मा जिसका अंतःकरण भी पवित्र हो चुका है। किसी ने पूछा, महाराज एक बात बताओ, जब आपने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि अथवा यह अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, तो क्या ब्रह्म में भी कोई गलती होती है? ब्रह्म भी अशुद्ध होता है या ब्रह्म भी अपवित्र होता है या ब्रह्म भी अशुद्ध होता है, यह कैसे संभव है? नहीं, ब्रह्म अशुद्ध नहीं होता, आत्मा अशुद्ध नहीं होती, आत्मा अपवित्र नहीं होती। लेकिन आपने गीता जी के तीसरे अध्याय के कुछ श्लोकों को, 36वें 37वें श्लोक का आपने श्रवण किया होगा, तो ठाकुर जी उस प्रसंग में बता रहे हैं कि आवृत्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा, अर्थात जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, अग्नि में जब धुआं उठता है तो अग्नि पूर्ण रूप से ढक जाती है, जैसे जेर से गर्व ढका रहता है। श्रोता बंधुओं, जिस प्रकार मैल से दर्पण ढका रहता है, दर्पण में मैल लगा हो तो अपना चेहरा नहीं दिखता, ठीक उसी प्रकार से, उसी तरह यह आत्मा के ऊपर भी आवृत्तम ज्ञानमेतेन, आत्मा में तो पवित्रता नहीं है किंतु आत्मा के आसपास एक ऐसा वातावरण विद्यमान है, एक ऐसा यूं कहें कि एक ऐसी परिधि विद्यमान है, एक ऐसा एक परिधि एक सीमा विद्यमान है जो सीमा अज्ञान की है, और जिस अज्ञान ने आवृत्तम आवृत्त कर रखा है, एतम ज्ञानम आवृत्तम आवृत्तम ज्ञान में तेन एतेन ज्ञानम आवृत्तम, उसके कारण से यह आत्मा भी उस अज्ञान के कारण आवृत्त है। और श्रोता बंधुओं, उसी कारण से इस आत्मा की भी शुद्धता निश्चित की गई है। तो भगवान यहां पर उसी बात को कह रहे हैं, विशुद्धात्मा योग युक्तो विशुद्धात्मा, उसके बाद विजितात्मा, विशुद्ध भी हो और सारी इंद्रियां, विजितात्मा जितेंद्रिय, इंद्रियां जीती हुई हो, जितेंद्रिय इंद्रियाणाम यस्य जेता सह जितेंद्रिय। अब इंद्रियों को कैसे जीतना है ये आपको कल में बताया जाएगा, किंतु भगवान यहां पर जितेंद्रिय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यूं तो पहले भी ठाकुर जी बता चुके हैं एक श्लोक में, गीता जी के तीसरे अध्याय के कुछ श्लोकों में बता चुके हैं कि जितेंद्रिय शब्द, जितेंद्रिय मनुष्य कैसे बनेगा, किंतु उसको और विस्तार से गीता जी के छठे अध्याय में बताया जाएगा। किंतु यहां पर प्रयोग किया विजितात्मा जितेंद्रिय, गिनते चलो, तीन लक्षण बता दिए, योग युक्तो विशुद्धात्मा और जितेंद्रिय। और जिस मनुष्य में ये तीनों ही लक्षण आ जाते हैं, जो मनुष्य इन तीनों ही लक्षणों से युक्त हो जाता है, और तीसरा सर्वभूतात्म भूतात्मा,
भैया दुनिया में हर जगह है, उसे सबकी आत्माओं में आत्मा अपनी ही दिखाई पड़ती है, सब में उसको नारायण दिखाई पड़ते हैं। किसी ने कहा ऐसे मत बोलो, सब में नारायण दिखते हैं, ये शब्द अशुद्ध है, ये शब्द गलत है। तो महाराज जी सही शब्द क्या है? सही शब्द ये है कि सब कुछ ही नारायण है। ऐसा मत बोलो कि सब में नारायण है, अपितु सब कुछ ही नारायण है। जो कुछ हमें दिख रहा है स्थावर जंगम, वो सब कुछ नारायण ही तो है। जो मनुष्य सभी भूतों में अपनी ही आत्मा देखता है, उसके साथ क्या होता है? ना कुर्वन् न लिप्यते, वह मनुष्य ना तो कोई कार्य करता है और ना ही किसी कार्य से लिप्त होता है। यूं कहें तो ठाकुर जी ने इस श्लोक पर कर्म संन्यास की जैसे थोड़ी देर के लिए उपसंहार कर दिया। या गीता जी में कर्म संन्यास का पाठ, गीता जी के इस पांचवें अध्याय के इस श्लोक में ठाकुर जी ने एक प्रकार से कर्म संन्यास की परिभाषा का विश्राम किया कि कर्म संन्यास से मनुष्य कहां तक पहुंचता है। जो मनुष्य योग युक्त है, जो विशुद्ध आत्मा है, जितेंद्रिय है, जो सब भूतों में अपनी ही आत्मा देखता है, वह मनुष्य ना तो उसे कोई कार्य करने की जरूरत रहती है, ना ही वह किसी कार्य से लिप्त होता है। वह अपनी आत्मा में ही रमण करता है। ना उधो का लेना, ना माधो का देना, अपने आप में ही खुश रहो। अपने आत्मा से ही आत्मा रमण करते रहते हैं। आत्मा रानी महापुरुषों का जिनका वर्णन है, वह यही महापुरुष है। अब ठाकुर जी अगले श्लोक से कर्म योग का वर्णन कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, यहां तक तो कर्म संन्यास बताया सातवें श्लोक तक, और अब आगे से भगवान कर्म योग का वर्णन कर रहे हैं कि कर्म योग करने वाले मनुष्य की क्या स्थिति होती है, वह कैसे कर्म योग करता है। यूं समझ लें तो गीता जी के 11वें से, गीता जी के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर के और तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोक तक ठाकुर जी ने ज्ञान, कर्म संन्यास, कर्म योग और आदि जो भी ज्ञान था उसकी शिक्षा दे दी। चौथे अध्याय के प्रथम श्लोक से लेकर के और अब जिन सिद्धांतों को दूसरे और तीसरे अध्याय में मूल रूप में बताया है, उन्हीं सिद्धांतों की व्याख्या ठाकुर जी चतुर्थ अध्याय से अब आगे कर रहे हैं। आगे श्रवण करें। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्नेत तत्त्वभिः। ध्यान देना श्रोता बंधुओं, गीता जी का सबसे कठिन श्लोक है ये, गीता जी का पांचवें अध्याय का आठवां और नवां श्लोक। ध्यान से सुनना, संपूर्ण गीता जी में प्रतियोगिता आदि होती है ना, गीता जी के प्रतियोगिता आदि कंपटीशन वगैरह होते हैं, तो उसमें 90% लोग इसीलिए छंटते हैं कि उनको ये श्लोक उच्चारण करने भी नहीं आता। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कहां तो ठाकुर जी महाराज इतनी सरल संस्कृत बोलते चले आ रहे हैं, श्लोक को बोल दो जैसे रामचरितमानस में चौपाई बोल दी, समझ में आ गया क्या कहना चाहते हैं। इतनी सरल संस्कृति, इतनी सरल संस्कृति हद ही कर दी, श्लोक को चौपाई जैसा बोल दिया। और जैसे कर्मयोग की बात आई तो दुनिया का सबसे क्लिष्ट शब्द, दुनिया के सबसे कठिन संस्कृत ठाकुर जी ने इन दो श्लोकों में डाल दिया। ध्यान से श्रवण कीजिए। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्नेत तत्त्वभिः पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि।
इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वरतन्ता इति धारयन्। भगवान ने इन श्लोक में बताया कर्मयोग का, नैव किंचित करोमीति। जिस मानव के लिए, जो मनुष्य सब कुछ करते हुए, जिसके लिए कुछ करना शेष नहीं रहता, ध्यान देना शब्दों पर ठाकुर जी, नैव किंचित करोमीति, जो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता, और पश्यम देखते हुए, श्रृणवन सुनते हुए, स्पृशम स्पर्श करते हुए, पश्यन श्रृणवन स्पृशन जिघ्नम भोजन करते हुए, अश्मन चाहते हुए, गच्छन जाते हुए, गमन करते हुए, स्वपन सोते हुए, स्वसन सूंघते हुए, प्रलपन बोलते हुए, विसृजन यानी त्यागते हुए, गृहणम कुछ ग्रहण करते हुए, उन्मिषम यानी उठते हुए, निमिषम बैठते हुए, भैया कोई भी काम करते हुए, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते जागते सोते श्रवण करते सूंघते हुए गमन करते हुए सब कुछ करते हुए, जो मनुष्य इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु, जो मनुष्य ये समझता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, इंद्रियां ही अपने अर्थों में बरत रही हैं, ये तो इंद्रियों का काम है, ये अपना काम कर रही है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वरतन्ता इति धारयन्। जो मनुष्य संपूर्ण कर्म करते हुए, सारे काम करते हुए, दुनिया का सारा कार्य करते हुए, और यही समझता है कि इंद्रियां ही अपने अर्थों में बरत रही हैं, इंद्रियों के अलावा कहीं कोई कार्य नहीं हो रहा, वह मनुष्य क्या होता है? युक्तो मन्नेत तत्त्ववित्। वही मनुष्य वास्तव में तत्व को जानने वाला है, या वहां तत्ववेता मनुष्य इन सब को ऐसा समझता है। सीधे तौर पर अगर हम समझें तो ठाकुर जी इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य कोई भी हम काम कर रहे हो, दुनिया का कोई कार्य तो कुछ गिनाए ना, पश्यन श्रृणवन स्पृशन प्रलपन विसृजन आदि अनेकों कुछ गिनाए, बल्कि इनका भगवान के कहने का तात्पर्य यह है कि हम दुनिया का कोई भी कार्य कर रहे हों, हमारे इंद्रियों के द्वारा कोई भी कार्य कभी भी हो रहा हो, तो हम यही समझें कि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्त, इंद्रियां ही अपनी अर्थों में व्रत रही हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, नैव किंचित कर्म इति, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, ये इंद्रियों का कार्य है। युक्तो मन्ने तत्त्ववित्, वह मनुष्य तत्त्ववित् कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? कई लोग इसका मतलब अपने अपने शब्दों में, अपने अपने अर्थों में ले रहे हैं। महाराज किसी को पकड़ा दो, मार दिया, कहा महाराज की तो इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं। किसी को दंड दे दिया, इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं। किसी को अपशब्द बोल दिया, मैं कहां बोल रहा हूं, जिह्वा बोल रही है। हम अपने आंखों से कुछ गलत देख रहे हैं, मैं कहां देख रहा हूं, इंद्रियां देख रही हैं। तो ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, ठाकुर जी ने इससे पहले जो श्लोक बोला है उसमें चार जो लक्षण गिनाए हैं वो इसी प्रसंग का जैसे कि भूमिका थी। यह जो कर्मयोग भगवान कह रहे हैं, इस कर्मयोग की ही भूमिका भगवान छठे सातवें श्लोक में कह चुके हैं। विशुद्धात्मा जितेंद्रिय, इंद्रियां जीते हुई होनी चाहिए, हम वही चाहेंगे जो हम करना चाहेंगे, हमारे हाथों के द्वारा वही कार्य होगा जो हम करेंगे,
हमारी आंखें वहीं देखेंगी जो हम देखना चाहते हैं, हमारे कान वहीं सुनेंगे जो हम सुनना चाहते हैं, हमारे पैर वहीं जाएंगे जहां हम जाना चाहते हैं। इसको कहते हैं जितेंद्रियता। हमारा हृदय वहीं चाहेगा जो हम चाहना चाहते हैं, हम वहीं सूंघेंगे जो हम सूंघना चाहते हैं, हम तभी श्वास लेंगे जब हम लेना चाहते हैं। श्रोता बंधुओं ध्यान से सुनना, ठाकुर जी योग की सबसे बड़ी पराकाष्ठा का इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। जितेंद्रिय किसको कहते हैं? जिसकी इंद्रियां उसकी इच्छा के बिना हिले भी नहीं। हम जब चाहेंगे तभी श्वास लेंगे। अरे और तो और, मैं जब चाहूंगा तब मेरे प्राण निकलेंगे। यह हुई जितेंद्रियता। और ये आप लोग सुनते हैं ना, अणिमा महिमा लघिमा गरिमा आदि अनेकों सिद्धियां जितेंद्रिय मनुष्य के लिए, जैसे चरण सेवा में ये सिद्धियां आ जाती हैं। जिस मनुष्य की इंद्रियां जीती हुई हो जाती हैं उसके लिए सिद्धियां और निधियां कोई बड़ी बात नहीं रहती, बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती, बड़ी आसानी से मिल जाती। भगवान इसी बात को, इन्हीं सब शब्दों को और इसी कर्मयोग को ठाकुर जी अगले श्लोक में एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। ध्यान देना कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। मैंने आपको पहले भी बताया था इस श्लोक के बारे में, जो मनुष्य सब कर्मों को, ये जैसे कि यूं समझ लो कि ये आठवें नवें या नवें दसवें श्लोक का, इससे पिछले श्लोक का, जैसे कि आधा ठाकुर जी ने कह दिया हो और आधा इस श्लोक में कह रहे हैं। ऊपर के श्लोक में तो ये कहा कि इंद्रियाण इंद्रियार्थे सुवर्तन्त, यूं समझो कि ये इंद्रियां ही अपने अर्थों में वर्त रही हैं। और इस श्लोक में उसी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, कर्मम संगम त्यक्त्वा करोति यः, यः करोति संगम त्यक्त्वा कर्म। जो मनुष्य सब कर्मों को त्याग कर, सब आसक्ति को त्याग कर जो कर्म करता है, जो मानव संपूर्ण आसक्ति का परित्याग करके, ठाकुर जी फिर पुरानी बात को वापस यहां पर कह रहे हैं, जो सब आसक्ति को त्याग कर जो कर्म करता है वह कैसा होता है? पद्म पत्रमिवाम्भसा, कमल का पत्ता कीचड़ और जल दोनों में रहता है, किंतु उस पर थोड़ा सा भी जल या पत्ता, उस पर थोड़ा सा भी जल आप पत्ते पर डालेंगे तो वह बिखर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देता है, उस मनुष्य के लिए वह कमल पत्र के समान ही, पद्म पत्र के समान ही वह इस संसार में रहता है। इस उदाहरण के माध्यम से भगवान ये कहना चाहते हैं श्रोता बंधुओं कि यदि हम संसार में हमेशा विद्यमान हैं, हम संसार में 24 घंटे रहते हैं, हम संसार में सारे कार्यों को कर रहे हैं, तब भी यदि हमने सब कर्मों को आसक्ति रहित होकर किया तो उन कर्मों को करने का दोष हमें नहीं लगता। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। एक किसान है, प्रातःकाल उठता है, प्रातःकाल उठ करके जाता है, खेतों को खोदता है, उसमें बीज डालता है, खेतों की निराई गुराई करता है, और खेती को, फसल को बचाने के लिए वह उसमें नया प्रकार की दवाइयां भी डाल देता है, कई पशुओं को भी मारता है, चिड़िया आती हैं उनको भी मार देता है,
उस फसल को बचाने के लिए अनेकों प्रकार के जीवों का नाश भी करता है, और जब वही फसल पक जाती है तो उसी फसल को लाता है, स्वयं भी खाता है, बच्चों को भी खिलाता है, अपनी संतानों का भरण पोषण भी करता है, कोई अतिथि आता है तो उसको भी वही प्रसाद ग्रहण कराता है। यदि इस बीच में अगर उससे ठाकुर जी का भजन नहीं हुआ, ठाकुर जी का नाम नहीं लिया गया, तो श्रोता बंधुओं ध्यान रखना, उस किसान को किंचन मात्र भी दोष नहीं लगेगा। इसलिए दोष नहीं लगेगा, उसका कारण यह है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें परोपकार संसार की सेवा सम्मिलित है। दूसरी बात, हम जो भी कार्य कर रहे हैं वह आसक्ति रहित होकर कर रहे हैं, उसमें हमारा फल की इच्छा नहीं है। जो भी काम करो, यहां पर मुझे एक बड़ा सुंदर श्लोक ध्यान में आ रहा है, भागवत जी में परम योगी श्री सुखदेव स्वामी ने एक बड़ा सुंदर श्लोक कहा है। गोपियां ठाकुर जी का कैसे भजन करती हैं, ठाकुर जी का नाम कैसे लेती हैं, कि या दोहन वहन ने मथनो पले पले प्रेम खनार भरुरी दो क्षण मार जना दो या दोहन। जब गायें दुहने जाती हैं तो नंद का लाला ऐसा दिखता है मानो गाय की स्तन पकड़कर और हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ सामने खड़ा है। वहन ने गोबर उठा करके ले जा रही है तो महाराज देख रहे हैं कि गोबर में लिपे पुते ठाकुर जी सामने खड़े हैं। मथनों पले पले मथने जा रही हैं, मक्खन जब निकालने जा रही हैं तो देख रही हैं कि वह नंद का लाला, वह ढाई तीन साल का वह छोटा सा सांवला सलोना कन्हैया अपने मुख पर माखन लपेटे और अलकों को अपने ललाट पर गिराए हुए और मुस्कुराते हुए उनकी मथानी को पकड़ करके खड़ा है। मथनों पले पले प्रेंखनार भरुदितो प्रेंखन, जब धान के छिलके उतारने जा रहे हैं, आहा श्रोता बंधुओं, जब धान के छिलके उतारने जा रही हैं वे गोपियां, तो उन धान के छिलकों में भी वो ठाकुर उन्हें नजर आ रहा है। क्षण मार्जन मार्जन कर रही हैं, जब वे गोपियां अपने घर को जब बुहार रही हैं तो वो सांवला सलोना कन्हैया धूल लपेटे अपने ग्वाल बालों के साथ उनके मार्जनी को, उनकी बुहारी को पकड़ करके, उनके हाथ को पकड़ कर उन्हें बुहारने नहीं दे रहा। ये होती है कर्मयोग की पराकाष्ठा, कि हम कर्म करते हुए अपना काम हमेशा कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं। अरे ये भगवान ने कोई निश्चित कहा है क्या कि आप हमारी पूजा हमेशा करो, आप ठाकुर जी की पूजा हमेशा करते रहोगे तो अपना काम कब करोगे। कि जिस देश में रहो, जिस देश में रहो, परिवेश में रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। जैसे रहो, जिस अवस्था में रहो, बस ठाकुर जी पर निर्भर रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। वहां भावना, वहां स्थिति बड़ी मुश्किल से आती है, और वही कर्म योग है। वास्तविक कर्म योग श्रोता बंधुओं अगर कुछ है तो वही है, हम लोगों को उसके अलावा कुछ दिखाई ही ना पड़े, अपना काम भी करते रहें और भगवान का नाम भी लेते रहें। आइए यहां पर थोड़ी देर भगवान का भजन करें, उसके पश्चात आगे की कथा होगी।
हाथों से हरिजन की सेवा कमाओ, पैरों से चल कर सत्संग के घर तम यही गीत गाओ, गंगा किनारे में कुटिया बनाओ, गंगा नहाओ गंगा जल पाओ, गंगा किनारे में कुटिया बनाओ, गंगा नहाओ गंगा जल पाओ, गंगा के तट पर जीवन बिताओ, और गीता सुनो मैं, गीता की चर्चा हर दम करेंगे, गीता पढ़ूं और गीता सुनो मैं, गीता की चर्चा हर दम करेंगे, गीता हमारे हृदय में होवे, गीता याद होवे, अरशाद में तेरी बात होवे, अरवास में तेरी याद होवे, अरयाद में तेरी बात होवे, हर बात में तेरा ध्यान होवे, तेरा हर बात में तेरा ज्ञान होवे, तेरा नारा यह वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, तेरा नारा यह वासुदेव, इस श्लोक में कर्म योग की पराकाष्ठा बता दी, क्योंकि आप दर्शन करें गीता जी के पांचवें अध्याय के तीसरे चौथे पांचवें
एवं छठे श्लोकों में कर्म संन्यास की पराकाष्ठा बताई, सातवें और आठवें श्लोक में, सातवें श्लोक में भगवान ने कर्म संन्यास एवं कर्म योग पाने के लिए कौन कौन से नियम होने चाहिए उन नियमों को बता दिया। आठवें नवें श्लोक में गोपाल जी ने कर्म योग का लक्षण बता दिया कि कर्म योग कैसे करना चाहिए, और इस ग्यारहवें श्लोक में ठाकुर जी ने कर्म योग की पराकाष्ठा का वर्णन कर दिया। अब आगे इस कर्म योग की महत्ता बता रहे हैं कि कर्म योग के क्या क्या फल मिलते हैं। जो मनुष्य कर्मयोग में स्थित हो जाता है उस मानव को क्या क्या फल प्राप्त होते हैं, उस मानव को क्या क्या प्राप्त हो जाता है, उस मानव की स्थिति कैसी हो जाती है, वह मानव कैसे स्मरण करता है, क्या सोचता है, क्या बोलता है, उसको आगे के श्लोक में बताएं कि कायेन मनसा बुधया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम तत्पात्मशुद्धये। कायेन मनसा बुधया केवलैरिन्द्रियैरपि, ध्यान देना भगवान ने तीन बातों का प्रयोग किया, कायेन चार, कायेन मनसा बुद्धया और इंद्रिया अपि, केवल इंद्रियर अपि, इंद्रियर अपि। जो मनुष्य, जो कर्मयोगी, अब भगवान यहां मनुष्य का प्रयोग ना करके कर्मयोगी का प्रयोग कर रहे हैं, जो कर्मयोगी ममत्व बुद्धि से रहित होकर, यहां प्रयोग किया ममत्व बुद्धि से रहित होकर, यानी ये मेरा है या मैं यह कार्य कर रहा हूं, मैं यह कार्य मैं करता हूं, इस अभिमान से रहित होकर, यानी मेरे द्वारा यह कार्य हो रहा है, इस प्रकार की अभावना जिसके मन में समाप्त हो गई है। ममत्व बुद्धि का मतलब कि मैं यह कार्य कर रहा हूं, इस भावना जिसकी चली गई है, ममत्व बुद्धि से रहित होकर, और कायेन शरीर से, मनसा मन से, बुधया बुद्धि से, और इंद्रियैरपि, और इंद्रियों से भी, अपि शब्द का प्रयोग किया, इंद्रियों से भी, ऐसा नहीं कि केवल सोच लिया। देखो इंद्रियों के साथ में भगवान ने अपि शब्द का क्यों प्रयोग किया, इंद्रियैरपि, अपि का अर्थ होता है भी, अपि शब्द का अर्थ संस्कृत में अपि शब्द का अर्थ होता है भी, इंद्रियों से भी, ऐसा नहीं घर में बैठे बैठे सोच लिया आज तो गीता जी के सत्संग में चलेंगे, ठीक है चलो, मन से सोच लिया कल गए थे ना आज नहीं जाएंगे, या तो सोच लिया आज जाएंगे, बुद्धि से भी सोच लिया कि आज गीता जी की हर एक श्लोक को श्रवण भी करेंगे, लिखेंगे भी, उसको मन में भी धारण करेंगे। आप शरीर से आ गए यहां पर, मन से गीता जी के सत्संग को आपने श्रवण भी कर लिया, बुद्धि से ये सोच भी लिया कि आज जो जो सुन रहे हैं उसको घर जाकर के मनन करेंगे, लिखेंगे, लेकिन भैया इंद्रियों से किया ही नहीं, काम तो कुछ किया ही नहीं, मास्टर जी ने तो क्लास में पढ़ाया जरूर लेकिन होमवर्क घर में जाके किया ही नहीं। इसलिए ठाकुर जी कह रहे हैं इंद्रियैरपि, इंद्रियों से भी, ऐसा नहीं कि खाली काम करो मन से अच्छा सोचो और मन से बुद्धि से अच्छा सोचो, नहीं, इंद्रियों से भी अच्छा करो, इंद्रियों के द्वारा भी अच्छे काम का पालन हो,
और जो योगी योगी नहा कर्म कुर्वन्ति, जो योगी इस प्रकार से संपूर्ण आसक्ति का त्याग कर जो कर्म करता है, संगम त्यक्त्वा कर्म कुर्वन्ति, यह योगी नहा सह आत्म शुद्ध है, वह मानव की आत्मा शुद्ध हो जाती है। आपने छठे श्लोक सातवें श्लोक में श्रवण किया था ना, विशुद्धात्मा, मैंने बताया था विशुद्धात्मा शब्द का प्रयोग किया। अब वह आत्मा कैसे शुद्ध होगी, भगवान उसका कार्य उसकी प्रक्रिया इस श्लोक में बता दिया और बहुत सीधे सरल शब्दों में बता दिया। एक बार और देख लो, जो मानव कायेन मनसा बुधया इंद्रियेरपि केवलम्, जो मनुष्य काय अर्थात शरीर से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से भी जो मनुष्य आसक्ति का त्याग करके जो कर्म करता है, उस मानव की बुद्धि आत्मा शुद्ध हो जाती, तत्त्वात्म शुद्ध है, उस मानव की आत्मा शुद्ध हो जाती। और अब आगे इसी कर्म फल का ही, कर्म योग की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। आपने अब तक जो कर्म योग सुना उसकी महिमा क्या क्या हो सकती है, गोपाल जी अगले श्लोकों में उनका ही वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि कर्म संन्यास, अच्छा एक बात और देखो, कर्म संन्यास के लिए तो ठाकुर जी ने खाली दो श्लोक बताए, सांख्य योग पृथक बाला और यत सांख्य प्राप्यते स्थान, मिलता जुलता एक और दे दिया संन्यासस्तु महाबाहो। किंतु कर्मयोग के लिए आप श्रवण कर लो श्रोता बंधुओं, संपूर्ण अब 29वें श्लोक तक केवल कर्मयोग की महिमा है। पांचवें अध्याय के अंतिम श्लोक 29वें श्लोक तक केवल कर्मयोग की महिमा है। इस 13वें श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक कर्मयोग की ही महिमा भगवान बता। युक्त काम कारेण फले सत्तो निबद्धते, युक्त कर्म फलम दत्वा, जो मनुष्य कर्म फलम त्यक्त्वा नैष्ठ किम, जो मनुष्य कर्म फल, जो कर्मयोगी, मनुष्य नहीं, जो कर्मयोगी कर्म फल का त्याग कर, कर्म फलम त्यक्त्वा नैष्ठिक में युक्त, जो मनुष्य कर्म फल का त्याग करके और जो कर्म करता है, वह मनुष्य तो कैसा हो जाता है, नैष्ठिक परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अयुक्त काम कारेण फले सत्तो निबद्धते, और जो मनुष्य कर्म फल को चाह कर जो कर्म करता है, फले सत्तो निबद्धते, वह कर्म फल में निबद्धता कि सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यासास्ते सुखं वशि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। ध्यान से सुनना, बड़ा ही विचित्र और बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है इस अध्याय का यह श्लोक। मैं इंगित करता चलूंगा, गीता जी के पांचवें अध्याय के 3 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्रथम तो यह श्लोक, सर्व कर्माणि मनसा, मनसा ये जना, मनसा सर्व कर्माणि सन्न्यास्ते, जो मनुष्य सब कर्मों को मन से परमात्मा में अर्पण कर देता है, परमात्मा को चढ़ा देता है, परमात्मा को दे देता है, प्रभु मैं दूध काढ़ रहा हूं आपके लिए काढ़ रहा हूं, प्रसाद चढ़ा रहा हूं आपके लिए चढ़ा रहा हूं, मैं भोजन कर रहा हूं आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, और सन्न्यास्ते सुखम वशी, संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देता है,
संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देता है। और उसके बाद भगवान ने और कुछ नहीं कहा। अब तक तो कहते चले आ रहे हैं कि सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके जो कर्म करता है, लेकिन अब ये नहीं कह रहे हैं। अब मात्र इतना कहा इस श्लोक में कि जो मनुष्य सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देता है उसके लिए क्या होता है, नव द्वारे पूरे देही। ये शरीर के नव द्वार है। श्रोता बंधुओं, हमारे इस जीवन में हमारे इस शरीर के नव द्वार है। ये एक पुर है, समय अभाव है। ठाकुर जी की कृपा हुई तो आप लोग श्रवण करना, और भागवत जी की कथा में आपने श्रवण भी किया होगा, पुरंजनपुरी का उपाख्यान आता है, राजा पुरंजन का उपाख्यान आता है। उसमें सुखदेव स्वामी राजा पुरंजन के माध्यम से नव द्वारों वाली पुरी का चित्रण करते हैं कि यह आत्मा इस पुरी में कैसे आती है। भगवान उसी भागवत के सिद्धांत को यहां पर प्रतिपादित कर रहे हैं और कह रहे हैं नव द्वारे पुरे देह। इसको आप पहले चरण और दूसरे चरण से देख जोड़ कर देखो कि जो मनुष्य सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देता है उस मानव के लिए नव द्वारे पूरे देह, उसके लिए इस नव द्वार वाले इस शरीर में ना कुर्वन न कारयन, ना कुछ करना शेष रह जाता है, ना कुछ वह करता है। उस मानव के लिए इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। जो मानव सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देता है श्रोता बंधुओं, वह इस नव द्वारों वाले शरीर में रहते हुए भी ना तो कुछ करता है, ना कुछ करना शेष रह जाता है। मैंने आपको कल बताया भी था कि जो मनुष्य उस दूध मुहे शिशु की तरह ठाकुर जी पर निर्भर रहता है, उस दूध मुहे बालक की तरह माता की तरह भगवान पर निर्भर रहता है, उस मानव के लिए क्या जिंदगी है। उस मानव के लिए तो सब कोई समान है और वह तो पूर्ण रूप से भगवान पर ही निर्भर हो गया है जी, और ठाकुर जी ही उसका पूरा बीड़ा उठा लेते हैं। आपने श्रवण भी किया था, गर्म सुधारी पुकारई मिता, आग भी शीतल हो जाती है। इसलिए वही स्थिति यहां पर है कि यदि हम सारे काम परमात्मा में अर्पण कर देंगे तो श्रोता बंधुओं, इस नव द्वार वाले शरीर में रहते हुए हमारे लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाएगा। क्यों क्यों शेष नहीं रह जाएगा? क्योंकि हमारे सारे कार्य तो ठाकुर जी ही करेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान देना श्रोता बंधुओं, अगर समय पड़ता है और यदि भक्त की स्थिति ऐसी आ जाती है कि भक्त को भगवान की जरूरत पड़ती है, तो मेरे ठाकुर उस भक्त के पास स्वयं नौकर बनकर के, सेवक बनकर के भी आकर के उसकी सेवा करते हैं। और आपने तो सुना भी होगा, मुझे तो पूर्ण ध्यान भी नहीं, कि शेष महेश सुरेश दिनेश, जिसका पार कोई नहीं पा पाता, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े देवता और महर्षि लोग भी जिनका पार नहीं पा सकते, कि ताही अहीर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच न चावे, चुल्लू भर छाछ पर, अरे कान्हा तेरी चोटी कहाँ है, तेरी ठुड्डी कहाँ है, तेरा मुख कौन सा है, तेरे हाथ कौन से हैं, अरे गोपाल जरा नाच के तो दिखाओ। कल्पना करो श्रोता बंधु, जिस परमात्मा, जिस महादेव से, जिस ठाकुर से काल भी नाचता है उसके सामने, और महाकाल भी जिसकी आज्ञा से ही प्रवृत्त होता है किसी कार्य में, उस परमात्मा को, उस ठाकुर को, उस मेरे गोपाल को उनकी माता दो अंगुल की रस्सी से बांध रही है, जिसके बंधन में यह सारा संसार पड़ा हुआ है, उसकी वही माता के प्रेममय बंधन में बंध रहा है। किसी ने पूछा, महाराज सुदर्शन चक्र को याद करते तो रस्सी कट जाती,
या तो कौमुद की गदा को याद करते तो रस्सी पे मारते तो रस्सी कट जाती। परम पूज डोंगरे जी महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा है कि भगवान ने सोचा कि अगर कोई शत्रु होता, कोई असुर होता तो हम सुदर्शन चक्र को याद कर लेते, किंतु ये तो माँ के प्रेम का बंधन है, इसका काट तो त्रैलोक्य में किसी के पास नहीं है। भगवान उन सारी बातों को इस श्लोक में प्रतिपादन कर रहे हैं कि जो मनुष्य अपने संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देता है, अर्थात जो ठाकुर जी के लिए सारे काम करता है, उस मानव के लिए इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता, वह इस संसार में रहता हुआ भी इस संसार में नहीं रहता। और आगे नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अब एक बड़े सुंदर स्थिति का ठाकुर जी यहां वर्णन कर रहे हैं, बड़े सुंदर अवस्था का, एक अत्युच्च अत्युत्कृष्ट अवस्था का, जिससे बड़ी इस संसार में कर्म योगी के लिए कोई अवस्था नहीं हो सकती। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम्, ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। गीता जी के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक ऐसे हैं जो बड़े सरल हैं, और अगर जो समझ में आ गए तो श्रोता बंधुओं समझो एक बार में बेड़ा पार है। और ये उन्हीं महत्वपूर्ण श्लोकों में से यह श्लोक है। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम् एषां नासितमात्मनः तेषां आदित्यवज्ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम्, जिस मानव का ज्ञान, जिस मानव के ज्ञान के द्वारा, ज्ञानेन तु तद अज्ञानम्, जिस मानव के ज्ञान के द्वारा मनुष्य का अज्ञान नाशयति तत्परम्, जिस मानव के ज्ञान के द्वारा मानव का अज्ञान नष्ट हो चुका है, तेषां आदित्यवज्ज्ञानम्, उस मानव का आदित्य के समान, सूर्य के समान, भगवान यहां विशेषण प्रयोग कर रहे हैं, तेषां आदित्यवज्ज्ञानम्, भगवान उस ज्ञान की तुलना सूर्य से कर रहे हैं, उसका वह सूर्य के समान प्रज्वलित हुआ ज्ञान प्रकाशयति तत्परम्। भैया केवल मानव को नहीं, केवल संसार को नहीं, केवल मानव जन्म को नहीं, केवल इस हिंदू धर्म को नहीं, केवल संसार को नहीं, केवल त्रैलोक्य को नहीं, अपितु परमात्मा को भी वह ज्ञान प्रकाशित कर देता है। जो परमात्मा स्वयं प्रकाशित है, जिस परमात्मा में स्वयं ही ज्ञान भरा हुआ है, जो परमात्मा के ज्ञान को जानना किसी के बस की बात नहीं, अगर उनके करोड़ों के करोड़ों के करोड़ों हिस्से का भी करोड़वा हिस्सा यदि मानव को प्राप्त हो जाए तो वह महाज्ञानी बन जाता है। उस परमात्मा को भी उस ज्ञानी मनुष्य का प्रज्वलित और परिष्कृत हुआ ज्ञान उस परमात्मा को भी प्रकाशित कर देता है। इस श्लोक पर अनेकों संतों ने अपनी अपनी टीकाएं की हैं, टिप्पणियां की हैं। परम पूज्य स्वामी जी ने तो यही कहा है कि जो यहां पर भगवान ने यह विशेषण इसलिए दिया है कि ठाकुर जी ये कहना चाहते हैं कि जिसका मनुष्य का अज्ञान समाप्त हो जाता है वह परमात्मा को भी प्रकाशित कर देता है, अर्थात वह परमात्मा के ज्ञान को बड़ी आसानी से समझ लेता है, परमात्मा को बड़ी आसानी से समझ लेता है, और परमात्मा को समझना उसके बड़े आसान बात उसके लिए हो जाती है।
जितनी कठिनता सामान्य मनुष्य को होती है उतनी ही सरलता उस ज्ञानी पुरुष को हो जाती है परमात्मा को समझना। ध्यान दें, आचार्य शंकर अपने शांकर भाष्य में इस श्लोक के लिए कहते हैं कि जिस प्रकार मानव छोटा सा ज्ञान प्राप्त करके भी अत्यंत प्रकाशमान हो जाता है, ज्ञान का अगर करोड़वा हिस्सा भी मानव के जीवन में आ जाए तो मनुष्य प्रकाशित हो जाता है, उसी प्रकार अगर मानव में वह महान ज्ञान प्राप्त हो गया, कर्मयोगी में जिसका अज्ञान पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, जिसने अपने आप को समझ लिया कि मैं ही ब्रह्म हूं और उस ब्रह्म को पूर्ण रूप से जान लिया, उसका वह ज्ञान संपूर्ण संसार को प्रकाशमान करने में, संपूर्ण संसार को ज्ञानवान बनाने में परम श्रेयस्कर है और उसका वह ज्ञान संपूर्ण संसार को ज्ञानवान कर देता है। जैसे कि हम लोगों का छोटा सा ज्ञान हो किंतु वही ज्ञान जब परिष्कृत होकर के हमारा संपूर्ण अज्ञान समाप्त हो जाता है तो हम दूसरे के संपूर्ण संशयों का विनाश करने में समर्थ हो जाते हैं और उस एक मानव का वह परिष्कृत हुआ ज्ञान संपूर्ण संसार के संशयों का विनाश करने में समर्थ है। ज्ञानेश्वर जी महाराज, आचार्य ज्ञानेश्वर इस श्लोक के विषय में एक बड़ी सुंदर टिप्पणी दे रहे हैं। उनका मानना है कि जिस प्रकार भगवान ने यहां पर जो ये प्रयोग किया, आदित्यवच ज्ञानम प्रकाशयते तत्परम, संत ज्ञानेश्वर का ये मानना है कि जिस प्रकार जैसे छोटे बालक होते हैं ना, अगर कोई भी उपलब्धि लेकर के आते हैं तो माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं, बालक ने बड़ा अच्छा काम किया। बड़ा बालक यदि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि करता है तो माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं, कोई भी बालक उनका हो। उसी प्रकार हम सब तो ठाकुर जी के बालक ही हैं ना, सब हम ठाकुर जी की संतानें हैं, हम सब उनके राजकुमार हैं, हम उन सब की हम सब उनकी संतान हैं। तो यदि हमारा सारा ज्ञान अज्ञान समाप्त हो गया और हमें केवल केवल हमारे जीवन में ज्ञान ही शेष रह गया, हमारे सारे संशय समाप्त हो गए और हम यदि मुक्त होने की अवस्था में पहुंच गए तो सबसे बड़ी यहां पर प्रकाशमान होने का अर्थ यह है कि सबसे बड़ी प्रसन्नता परमात्मा को ही होती है। परमात्मा उस ज्ञान से अत्यंत प्रसन्न हो जाए। एक मनुष्य भी यदि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो भगवान उससे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। श्रोता बंधुओं, इस जीवन में यदि हमारा कोई लक्ष्य है तो वह यही है कि हम अपने कर्म बंधनों से मुक्त होकर और अपने संपूर्ण संशयों का विनाश कर डालें। जिस दिन हमारे संपूर्ण संशय नष्ट हो गए उस दिन सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रसन्नता होगी तो वह परमात्मा को। अब वह मानव कैसा हो जाता है, जिस मानव में इस प्रकार की स्थिति आ जाती है उस मानव के लिए संसार कैसी नजर में आ जाता है, वह संसार को कैसे देखता है, किस नजर से देखता है, भगवान उसकी दृष्टि का प्रयोग, उसकी दृष्टि की स्थिति कैसी होती है उसके बारे में बता रहे हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, पंडिता समदर्शिना। ध्यान देना, भगवान ने यहां दो चीजें प्रयोग की है, विद्या और विनय संपन्ने। यानी एक बात तो सिद्ध हो गई कि वास्तविक जो विद्या है वो विद्या परमात्मा का ज्ञान है,
हम लोग संपूर्ण कर्मों को जब परमात्मा में अर्पण कर देते हैं और फिर हमारा इस संसार से जब कोई प्रयोजन नहीं रहता, हमारे लिए कुछ करने योग्य शेष नहीं रहता, हमारे सारे अज्ञान का नाश होकर परिष्कृत होकर के जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह विद्या ही वास्तविक विद्या है। इस श्लोक में भगवान ने यह बात सिद्ध कर दी। संसारिक जो ज्ञान है वह तो मात्र विज्ञान है, ज्ञान नहीं। ठाकुर जी इस बात से सिद्ध कर रहे हैं। यह तो सामान्य सा नियम है श्रोता बंधुओं कि विद्या जब भी आती है तो विनय अपने आप आ जाता है। विनय का वास्तविक अर्थ क्या है? शायद बहुत कम लोगों को ही इसका ज्ञान होगा। वास्तविक ज्ञान विनय किसे कहते हैं? विनय का मतलब नम्रता, सामान्य अर्थ है नम्रता, सरलता। किंतु गीता जी के इस श्लोक में विनय का भगवान ने विशिष्ट और विचित्र अर्थ दिया है। वे उपसर्ग पूर्वक ने नय धातु से विनय शब्द बना है, नय समास करके विनय शब्द बना है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो मानव विद्या प्राप्त हो जाने के पश्चात सबके लिए सुलभ हो जाए, सबके लिए एक सबको अपने साथ मुक्त करने वाला बन जाए, ध्यान देना, सुलभ तो हो जाए किंतु सबको अपने साथ ले जाने वाला, यानी भैया हम मुक्त होंगे तो अकेले नहीं होंगे, संपूर्ण संसार को अपने साथ मुक्त करेंगे, सारे संसार का हम कल्याण करेंगे। नय नय नयने धातु का मतलब होता है ले जाना, वि उपसर्ग पूर्वक यानी अच्छी तरह ले जाना, जो अपने साथ साथ संपूर्ण संसार को मुक्त कर दे वह वास्तविक विनय है। और जब वह विद्या प्राप्त होती है तो मनुष्य में विनय का यह विचित्र अर्थ अपने आप आ जाता है। और जो मनुष्य इस प्रकार के विद्या और विनय से युक्त हो जाता है वह मनुष्य ब्राह्मणे गविहस्तिनी, ब्राह्मणे ब्राह्मण में, ब्राह्मण किसे कहते हैं ध्यान देना, यह ब्रह्म यह स जानाति स ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है। अथवा ब्रह्म यह आचरति स ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने के लिए आचरण करता है वह भी ब्राह्मण है। जो विद्या और विनय से संपन्न महात्मा होते हैं वो ब्राह्मण ब्राह्मण में, गवि गऊओं में, हस्तिनी हाथी में, सुनी चैव श्वान में, स्वपाके च चांडाल में, पंडिता समदर्शिनः। पंडित शब्द का मैंने आपको पहले अर्थ बता दिया है,
जो पंडित होते हैं, जो विद्या विनय संपन्न पंडित होते हैं, वो ब्राह्मण में, गऊ में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में, श्रोता बंधु वो सब में समदर्शिन, सब में समान होते हैं, सबको एक दृष्टि से, सब में वो ठाकुर के ही दर्शन करते हैं। और अब आगे ठाकुर जी एक बड़ा सुंदर महत्वपूर्ण गीता जी का तीसरा श्लोक, पांचवें अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में तीसरा महत्वपूर्ण श्लोक गीता जी का वर्णन कर रहे हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो एषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि परं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। इहैव तैर्जितः सर्गो, जिसका मन एषां साम्ये स्थितं मनः, जिसका मन समभाव में स्थित है, ध्यान देना, अभी जो पीछे स्थिति बताई यानी विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनी आदि सब में पंडिता समदर्शिनः, अब उसका फल बता रहे हैं कि जो मानव एषां साम्ये स्थितं मनः, उस मानव के लिए तैर्जितः सर्गो, इहैव तैर्जितः, उसने मानो इस सारे संसार को जीते जी संपूर्ण संसार को जीत लिया हो। तैर्जितः सर्गो, सारे संसार को उसने जीत लिया है। श्रोता बंधु, तलवार आदि से जीतना, युद्ध आदि में मारना, यह तो बड़ी निकृष्ट परंपरा है, किंतु ठाकुर जी इस सारे संसार को जीतने की सबसे सरल विधि बता रहे हैं। एषां साम्ये स्थितं मनः तैर्जितः सर्गो इहैव, जिसका मन समभाव में स्थित है उसने सारे संसार को जीत लिया। और क्या होता है, निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता, और वह मनुष्य उस निर्दोष और परब्रह्म परमात्मा में अत्यंत शीघ्र ही सब में वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता, ब्रह्मणि स्थिता, उस ब्रह्म में स्थित हो जाता है। भगवान इस प्रकार से इन श्लोकों में अनेकों फल बताकर, कर्मयोग एवं कर्म संन्यास का फल बताते हुए आगे कहते हैं, एहि संस्पर्शजा भोग दुःखयोनय एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न ते शूरमते बुधः। बड़ा सुंदर एक उदाहरण दिया भगवान ने, एही संस्पर्शजा भोग, हे कौन्तेय, कौन्तेय का अर्थ होता है कुंती के पुत्र, अर्जुन कुंती माँ के पुत्र है ना, इसलिए यहां पर कौन्तेय शब्द दिया। हे कौन्तेय, एही जो मनुष्य संस्पर्शजा, ये स्पर्शात्मक स्पर्शजन्य भोगा भोग है, दुखयोनय एवते, ये दुख को ही देने वाले हैं, यानी ये जो स्पर्शात्मक और सुख स्वरूप लगने वाले ये भोग आदि हैं, ये हमेशा दुख को ही देने वाले हैं। और आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, ज्ञानी लोग भैया, इसमें ना तो आदि और अंत, इन दोनों में ही किसी भी प्रकार से रमण नहीं करते। ये तो दिखने में ही अच्छे लगते हैं, जैसे कोई सोने के कलश में जहर भरा हुआ हो, विष भरा हुआ हो, अथवा बढ़िया सी लगने वाली खीर में जहर डाला हुआ हो तो उसको कोई स्पर्श भी नहीं करता। उसी प्रकार ये
आनंदमय दिखने वाले दुख ये सुख और भोग आदि वास्तव में दुख योनयते दुख को ही देने वाले हैं। आद्यंतवंत आदि और अंत में किसी भी प्रकार से विद्वान बुद्धिमान लोग न रमते रमण नहीं करते। रमते बुध और अब इस संसार में सुखी कौन है भगवान उसका लक्षण बता रहे हैं। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सायुक्ता सा सुखी नरः। आप लोग जानना चाहते हैं ना कि संसार में सुखी कौन हो सकता है। हर मानव ये की ये इच्छा होती है कि इस जीवन में इस संसार में सुखी कौन है आनंदमय कौन है। तो श्रोता बंधुओं ठाकुर जी ने बड़े सरल तरीके में बताया कि काम क्रोधोद्भवं वेगम शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्। जो मनुष्य काम क्रोध के वेग को सहने में समर्थ हो जाता है, शक्नोति, जो मनुष्य काम क्रोध के वेग को सहने में समर्थ हो जाता है, प्राक शरीर विमोक्षणात् और शरीर से संपूर्ण कामनाओं का परित्याग भी कर देता है, सायुक्त वह योगी है और सुखी न रह सुखी। अगर आपको सुखी होना है तो दो काम करने पड़ेंगे। एक काम क्रोध का सर्वथा परित्याग कर दो। बताया था ना आपको कि कामना कितनी बड़ी विपदा है। 10 रुपए हो जाए 20 की इच्छा, 20 हो जाए तो भैया 50 हो जाते तो अच्छा रहता। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी। देखो इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे विष्णु सुखी, विष्णु कहे सुखी वही जो राम नाम का प्याला पिए हैं। महाराज ठाकुर जी को भी सुख नहीं है, हमारे गोपाल जी भी उधर बैकुंठ में माता जी के साथ बैठ करके सुखी नहीं है। सुखी वही जो राम नाम का प्याला पिए हैं। और गीता जी का यहां सिद्धांत शायद उसी बात को प्रतिपादित कर रहा है। यदि सुखी होना है तो कामना और क्रोध को सर्वथा छोड़ दो। कामना क्यों करनी? जब हमें ये मालूम है कि ठाकुर जी ने हमें यहां भेजा है, ठाकुर जी की बिना इच्छा के हमें कुछ मिल नहीं सकता, उनकी इच्छा से कम और हमारी इच्छा उनकी इच्छा से ज्यादा और कम भी हमें नहीं मिल सकता, तो कामना क्यों करनी? अरे छोड़ो ना उन पर। महाराज बिटिया की शादी करनी है इतने रुपए चाहिए। आजकल तो लोग भ्रूण हत्याएं भी इसी कारण तो हो रहे हैं। परम पूज्य स्वामी जी भ्रूण हत्या का बड़ा विरोध करते थे, इसी कारण हो रही हैं। और श्रोता बंधुओं मैं इस पवित्र मंच से एक बात साफ साफ कहता हूं, कोई भी कन्या इस संसार में आती है तो अपना भाग्य लेकर आती है। तुम्हारी शक्ति क्या है विवाह करने की, अथवा तुम्हारी शक्ति क्या है पालन करने की? हमारी शक्ति किसी कार्य को करने की तो है ही नहीं। अगर उस गोपाल की इच्छा हो जाए एक बार में अपने अगर अपनी टेढ़ी दृष्टि से देख लें तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। और मैंने बताया था कि मनुष्य जब गर्भ में होता है तो उसका भाग्य उसी गर्भ में लिख दिया जाता है। क्या क्या कर्म करेगा वह कर्म भी उसके साथ आता है। तो चिंता क्यों करनी, कामना क्यों करनी? दूसरा क्रोध,
महाराज जब पूरे संसार में ठाकुर जी ही विद्यमान हैं, तो बच्चे में भी ठाकुर जी, श्रीमती जी में भी ठाकुर जी, संसार के शत्रु में भी ठाकुर जी, हमारे मित्र में भी ठाकुर जी, हमें जो मारने आ रहा है उसमें भी ठाकुर जी, उसने जो शस्त्र ले रखा है उसमें भी ठाकुर जी, तो क्रोध किस पर करना? और जिसने काम क्रोध का परित्याग कर दिया, ठाकुर जी कहते हैं कि सयुक्ता सुखी नर, वह योगी है और सुखी है। इस प्रकार अनेक बातों का वर्णन कर और गीता जी के पांचवें अध्याय का 29वां अर्थात अंतिम श्लोक भगवान कह रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। बड़े प्रेम से सुनना, जो मानव भोक्तारम, मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, यज्ञ तपसा भोक्तारम सर्वलोक महेश्वरम, सभी यज्ञ और तपों को भोगने वाला और सर्वलोक महेश्वरम, इस संपूर्ण लोकों का और देवों का भी देव जो मुझे जानता है, सुहृदम सर्वभूताना और संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात सबको प्रेम करने वाला। श्रोता बंधुओं, एक बात तो इस श्लोक में ठाकुर जी ने सिद्ध कर दी, ये भी सिद्ध मान लो। हम लोग कई बार ये कहते हैं ना कि ठाकुर जी तो लगता है हमसे शत्रुता कर रहे हैं, हमारे किसी काम को बनने ही नहीं दे रहे हैं, इतने समामणि कर दी, इतना पाठ कर दिया, इतनी पूजाएं कर दी, भगवान हमारी बात मान ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे। तो महाराज ठाकुर जी ने यहां यह बात सिद्ध कर दी, सुहृदम सर्वभूतानां, हे संसार के लोगों, मैं संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद हूं, मैं वही चाहता हूं, मैं वही सोचता हूं जो सबके हित में हो, जिसमें सबका भला हो। और संसार का हर प्राणी कुछ अपवादों को छोड़कर जो ठाकुर जी को मानता है वह सबका भला चाहता है, सबका कल्याण चाहता है और चाहना भी चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य मुझे यज्ञ तपसा भोक्तारम, मुझे यज्ञ तपों का भोगने वाला, सर्वभूतानां महेश्वरम सर्वलोकानां महेश्वरम, सभी लोकों का स्वामी शासन करने वाला और सुहृदम सर्वभूतानां, सर्वभूत प्राणियों का सुहृद मानता है, वह मनुष्य ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति, उस मानव को सबसे परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। भैया, दुनिया में अगर आपको शांति की इच्छा है, आप चाहते हैं कि संसार से हमें शांति मिले, हमें थोड़ी देर के लिए भी सुख मिले, शांति मिले, तो इस श्लोक को मोटे मोटे तौर पर समझो तो यही कहा गया है कि अपना सब कुछ परमात्मा को जान लो, कि मेरे जो कुछ भी हैं वो परमात्मा। यहाँ कहकर गीता जी के पांचवें अध्याय का ठाकुर जी विश्राम कर रहे हैं। आइए हम सब लोग मिलकर पंचम अध्याय का पाठ करें और जो भी आज के यजमान हैं वो गीता जी के पंचम अध्याय का पाठ हो रहा है। सब लोग अपने अपने पितरों का ध्यान मन ही मन करें और नियम विदित ही हैं, कोई भी बीच में ना उठें। जिनको याद है साथ साथ में भी मन ही मन कर सकते हैं, जिनको नहीं भी याद है वो ध्यान पूर्वक मन ही मन यहीं रहते हुए, हाँ कई बार आंखें बंद हो जाती हैं, सत्संग समाप्त हो जाता है, कहाँ गए थे महाराज, तो अमेरिका घूमते चले आए, यहीं रहते हुए और ध्यान पूर्वक श्रवण करें। आइए चलो कीर्तन कर लो, तब तक हाँ।
परमात्मने नमः। अथ पञ्चमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच, संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यक्षेयाहेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्रीभगवानुवाच, संन्यासकर्मयोगश्च निःश्रिया सकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न दृष्टि न काङ्क्षति। निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगौ पृथग् बाला प्रवदन्ति न पण्डिता। एकमप्यास्थितः सम्यक् गुभयोर्विन्दते फलं। यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन्निस्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिशन् निमिशन्नपि। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुधया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सत्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यासास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नागते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषां मादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं। तद्बुद्धस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनीचैव स्वपाके च पण्डितः समदर्शिनः। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं। स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थिताः।
बाह्य स्पर्शेश्व शक्तात्मा विन्दत्यात्मने यत् सुखम् स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोग दुःखयो न एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुध शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नर योऽवन्तः सुखोऽवन्त रारामस्थान्तरज्योतिरेवय स योगी ब्रह्मनिर्वाण ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभं ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षुणकल्मषाः छिन्नवैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तात्मा यतीनां यतचेतसाम् अभीतो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्वाया चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ शमो कृत्वा नाशाभ्यान्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिमोक्षपरायण विगतेक्षाभयक्रोधो य सदा मुक्त एव स भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृक्षति हरि ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीपितृदेवार्पणमस्तु श्रीगङ्गार्पणमस्तु श्रीशिवार्पणमस्तु हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। श्रोता बंधुओं, कल आप लोगों ने सुना ज्ञान कर्म और संन्यास, लेकिन आज ठाकुर जी थोड़ा सा अर्थ परिवर्तन करके कह रहे हैं कर्म संन्यास और योग। कर्म संन्यास आपने समझ लिया, योग कर्म योग, इन दोनों का इस अध्याय में पूर्ण रूप से वर्णन है। और वस्तुतः पंचम अध्याय के 29 श्लोक हैं इस अध्याय में, और भगवान ने इसके मात्र दो विभाग बनाए हैं। प्रथम श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया, द्वितीय श्लोक से लेकर के 8वें श्लोक तक ठाकुर जी ने कर्म संन्यास एवं कर्म संन्यास से होने वाले लाभ बताए हैं, और 9वें श्लोक से लेकर 29वें श्लोक तक गोपाल जी ने कर्म योग क्या है, कर्म योग जिसको प्राप्त हो जाता है उस मानव की स्थिति कैसी हो जाती है, और वह मानव अंत में कैसा हो जाता है, इस मानव की स्थिति और उसके लाभ के बारे में बताया है। आनंद आया, पंचम दिवस में संपन्नता की ओर है, आप लोग आए और पुनः प्रतिदिन का वही शब्द और भी संख्या में ले आए, और भी अपने साथ, ज़्यादा नहीं एक एक और लेकर आओ, और पीछे कुर्सी लगा देंगे, और लोगों को ले आओ, और इस परम मंगलमय गीता व्याख्यान का श्रवण करें। आइए 2 मिनट हम लोग कीर्तन कर लें, उसके पश्चात विश्राम करें। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा जय हो Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Jai Hare Krishna Sabhi log bhaav se taali ki seva dete hue Hare 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 बिहारी सरकार की जय अपने अपने पितृदेवों की जय नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव ओम शांति शांति।